अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी गुल फ्रॉम सेलोन बिगुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स हू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं लिए लेके चलूंगी कि व्हाई वी यूज लिक्विड बेस। लिक्विड बेस फ्रेंड्स, अभी आप जो है बिफोर चेक करें, लाइट से माइनस से इनके डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करने के लिए मैं आज आर्ट स्टूडियो डर्मा बेस का न्यूड शेड यूज कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा येलविश सा टिंट आता है जो मैं एज अ कंसीलर यूज करती हूँ। उसके बाद मोस्टली इसके दो शेड्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, बट इसके जो है सिक्स शेड्स अवेलेबल हैं। आप जो है यूज करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो इनका न्यूड शेड है वो मैं एज अ कंसीलर यूज करूंगी। ये मेरी एक जी स्टूडेंट है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया, अभी बेस से ब्लेंडिंग करवाएंगे हम इनसे लिक्विड बेस। फ्रेंड्स, उसको जो है एप्लीकेशन बहुत ईजी है और उसका यूज भी बहुत ईजी है, बट जो है हमने देखना होता है कि हमारा एटमोसफियर कैसा है। अभी सेकेंड शेड इसका फ्रेंड्स हम यूज करेंगे प्रोसलेन। प्रोसलेन जो है अब आप उसको F1 जो है ना उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही फेयर और बहुत ही खूबसूरत फ्रेश लुक आती है, गर्मी में भी आपकी इतनी फ्रेश लुक आएगी। अभी जो ओवरऑल कंप्लीट मेकअप लुक आप देखेंगे तो आपको खुद ही इससे आइडिया होगा कि कितनी फ्रेश लुक आएगी हमारी मॉडल की आज की, बिकॉज जो होता है समर में वैसे ही थोड़ा डल होता है और बिल्कुल ही हम उसको डल कर देंगे तो वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हमें फ्रेश फ्रेश सी लुक जो है ना वो अच्छी लगेगी देखने में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमने पेंसिल के साथ जनाब इनका ब्लू स्मोकी जो मेकअप है वो किया है। बहुत ज़्यादा हार्श स्मोकी लुक नहीं की, बट इस तरह से आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप ग्रीन स्मोकी, ब्लैक स्मोकी और इसके अलावा कोई भी जो भी डार्क शेड आपको अच्छा लगे, फ्रोजी कलर भी होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, कोई भी शेड जो आपके ड्रेस का कलर है आप इस तरह से उसका जो है लाइनर की तरह बिल्कुल पेंसिल से लाइनर लगाएं और फिर फिंगर की मदद से उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर दें और फिर अपना कोई भी जो भी आपका जो है फेवरेट कलर है ना उसके साथ उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करें। फ्रेंड्स, उसके बाद लाइट सा हमने लाइनर लगा के लैशेज लगा दी थी और इतना खूबसूरत इतना फ्रेश इनका जो आईज मेकअप है ना वो लग रहा था। उसके बाद हमने जस्ट कंटोरिंग की। फ्रेंड्स, लिक्विड बेस के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लिक्विड बेस जो है समर में जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना वहाँ पे लिक्विड बेस जो है ना वो उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते। थोड़ी देर के बाद ही वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ही पैची हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें लिक्विड बेस हमें अप्लाई करना भी ईजी है और उसका जो रिजल्ट हैं बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। वो वेस्टर्न लोग जो यूज़ करते हैं उनका एटमोसफियर बहुत अच्छा होता है, उनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और सो इसलिए वो लोग लिक्विड बेसिस यूज़ करते हैं। बट हमारे यहाँ जिस तरह से गर्मी होती है उसमें हमने अपनी हर चीज़ को देखना होता है कि हमारी जो बेस है वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग भी हो, वाटरप्रूफ भी हो। अगर स्वेटिंग होती है, बहुत सी हमारी क्लाइंट्स ऐसी भी होती हैं जिन्होंने आफ्टर मेकअप किचन में वर्क भी करना होता है, ऐसे जैसे अभी जो है ईद आने वाली है तो समर में जो ईद आने वाली होती है उसमें भी हमारी वुमेंस जो होती हैं आफ्टर मेकअप उन्होंने किचन में वर्क करना होता है। तो हमने इस तरह से अपना मेकअप करना होता है, अपने एटमोसफियर को देखते हुए अपना सारा जो है वो उसको चेक करते हुए कि हमने किस तरह से वर्क करना है। अगर आप ओवरऑल एसी में रहेंगे तो आपकी लिक्विड बेस्ड जो है वो ठीक है, बट अगर आप ने वर्क करना है समर में स्वेटिंग में तो फिर आपको जो है ना इस तरह से डर्मा बेस यूज़ करनी होगी। फ्रेंड्स, इसका जो रिजल्ट्स होंगे लॉन्ग लास्टिंग होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है तो इसकी जो रिजल्ट्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। पसीना जितना भी आता है उसके बाद जैसे ही आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे किसी भी टिश्यू के साथ, किसी नैपकिन के साथ, तो आपकी स्किन जो है ना वैसी की वैसी फेयर और फ्रेश लुक आएगी। तो फ्रेंड्स, आफ्टर मेकअप ये देखें जनाब, अभी भी बिल्कुल समर में आउटडोर में भी इन्होंने कुछ पिक्चर्स मैंने इनकी बनाई थी, बट स्वेटिंग के बाद भी इनकी जो बेस थी वो बिल्कुल स्टिल वैसी थी जैसे कि मैंने रेडी की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज जो डिस्कस करना था वो यही करना था कि लिक्विड बेस हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते गर्मी में। फ्रेंड्स, लिक्विड बेस जो है ना उसका यूज़ जो होता है वो बहुत ईजी होता है, बट उसका जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और समर में तो बिल्कुल ही वो हमारे यहाँ नो है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पार्टी मेकअप लुक आज की अच्छी लगी हो तो आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है
और आपने ये भी बताना है अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि समर में आपने लिक्विड बेस यूज़ किया और वो उसके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि समर में लिक्विड बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इसलिए हमें जो होता है वो कोई भी हार्ड बेस, कोई भी डर्मा बेस या फिर फाउंडेशन यूज़ करनी होती हैं, जो जैसे कि टी वी पेंट स्टिक है वो हम यूज़ कर सकते हैं, पेन केक हम यूज़ कर सकते हैं, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, लिक्विड बेस पे आज जो है बहुत सी क्वेश्चनिंग थी, सो मैंने सोचा आज अपनी फ्रेंड्स के साथ हम लिक्विड बेस पे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर लिक्विड बेस यूज़ किया और आपके उसके रिजल्ट्स कैसे मिले हैं आपने ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। और अगर आपको आज की पार्टी मेकअप लुक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।